आपने कहा कि ईडी, देखिए ईडी का पूरे हिंदुस्तान में आप ध्यान से देखेंगे तो गिने चुने ही लोगों पर ईडी कार्रवाई हो रही है, और ये ईडी जो मुख्य कार्रवाई हो रही है पूरे पूरे विपक्षी क्षेत्रों पर, विपक्षी नेताओं पर हो रही है। इनका सरकार का कहना यह है कि हमने ईडी की कार्रवाई से 1,00,000 करोड़ रुपये की हमने अटैच की है प्रॉपर्टी, लेकिन अब साथ में सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि कन्विक्शन रेट तो केवल 1% भी नहीं है, यानी कि आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे। ईडी क्या है कि आपके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस वक्त पूरे भारत में सबसे बड़ी जो पार्टी वो कांग्रेस है अपोजिशन में, और उसकी आवाज़ से एक ट्वीट से पूरी सरकार दहल जाती है, और उसके जो नेता हैं राहुल गांधी जब भी एक हल्का ट्वीट करते हैं, सड़क पर उतरने की बात कर देते हैं, उस पार्टिकुलर क्षेत्र में धारा 144 लगा देते हैं और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में, यानी कि सड़क पर आ जाएं तो डिटेन, संसद में कर दें तो सस्पेंड, मतलब चल क्या रहा है ये लोकतंत्र थोड़ी। ईडी जो है वो विरोधी आवाज को दबा, बड़ी सीधी सी बात है, कांग्रेस को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास है वो कुर्बानी और बलिदान से भरा हुआ है, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सब तक बलिदान से भरा हुआ है, तो ये तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और रही बात ये मोदी सरकार की, मैं जानना पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि आपको गरीबों से इतनी नफरत क्यों है? जिन गरीबों ने आपको वोट दिया आपने उनकी रोटी छीन ली, जिन गरीबों ने आपको वोट दिया आपने दूध छीन लिया, नाश्ता छीन लिया, लंच डिनर सब छीन लिया, क्या है दिक्कत आपसे गरीबों की? क्या गरीब आपको अच्छे नहीं लगते? क्या गरीब आपको चुभते हैं आंखों में? आप गरीबी खत्म करने की बात कर रहे थे लेकिन आपने तो गरीबी खत्म कर दी। आपके ही कार्यकाल में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरी क्या काम की तलाश ही छोड़ दी, उम्मीद ही नहीं है। ठीक है भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने जो डाटा दिया वो दिखता है, विजिबल है, इलेक्टोरल कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्टोरली तो कन्वर्ट नहीं हो रही है चीजें, वो क्यों नहीं हो पा रही? आज की कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा कि जैसे हिटलर था, हिटलर जीत के आता था क्योंकि उसके पास सभी प्रकार की सारी संस्थाएं उसके हाथ में होती थी, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि आप मेरे हाथ में सारी संस्थाएं मुझे दे दीजिए, मैं चुनाव जीत कर दिखा दूंगा आपको, और ये हकीकत है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। इलेक्टोरल कन्वर्ट होना कैसे, देखो कोई भी चुनाव देख लीजिए, भारतीय इतिहास का 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, अब तक के सबसे कॉस्टली चुनाव हुए। 2014 में बीजेपी ने 35,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया है लोकसभा के चुनाव में, अब तक का इतिहास में आपने अंदाजा लगाइए, जो चुनाव 4,000 करोड़ में निपट जाया करते थे 35,000 करोड़ पहुंच गया, और इसकी संख्या 2019 में आते आते 50,000 करोड़ हो गई है। इन्होंने कहा कि चुनाव बहुत कॉस्टली हो गया, चुनाव बहुत महंगा हो गया, डेटा ये कहता है कि जो पॉलिटिकल डोनेशन है, राजनीतिक जो चंदे हैं, वो 80%, 85% से ऊपर फीसदी जो है वो बीजेपी को मिल रहा है, ऐसे में तो रिसोर्सलेस हो रहे हैं, रिसोर्स डेफिसिट हो रहा है। 128 करोड़ केवल कांग्रेस को मिला है, 800 करोड़ मिला है बीजेपी को। प्रधानमंत्री 2 साल अपने जिंदगी के जेल में बिताए हो और उस पार्टी के हम फॉलोवर हैं तो हमारे रगों में डरने का सवाल होता है? अरे हम अंग्रेजों से डरे, करो ये मरो का नारा हमने दे दिया, तो ये जो उनके फॉलोवर हैं आधे अंग्रेज, इनसे डर जाएंगे? ये भरम है, और ये भरम है कि हर बार पुलिस को खड़ा कर देना, धारा 144 लगा देना, डराना धमकाना, आर्मी लगा देना, ये बेकार की बात है। ना तो हम डर रहे हैं, चाहे हमारी टांगे टूट जाए, हाथ टूट जाए, नहीं डरने वाले। हमारे नेता ने हमसे साफ कह दिया और राहुल गांधी पिछले कई समय से ये बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि डरेंगे नहीं, पर मैं नहीं डरता। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि ये भी नहीं डरने वाले। अब देखिए ना, पूरी जमात खड़ी है, जो कांग्रेस की लीगेसी है उसके बारे में बात करते हुए है कि जो रिसोर्स डेफिसिट है इस हालात में लड़िएगा कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको, पहले इनके पीछे वाला लाइन में आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इतनी बड़ी इनकी तानाशाही चल रही है कि जितने भी छोटे मंझोले जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके यहाँ जाके इनका एक आदमी बैठ जाता है और चुपचाप कहता है कि हमें जी इतना चंदा चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो ईडी, सीबीआई, सीआईडी एजेंसी, दुनिया भर की एजेंसी का डर दिखाकर उनसे जबरदस्ती चंदा लिया जा रहा है। एक तो ये, अब इस पे जो ये चंदे की जिस तरह से उगाही हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस पर कब जनता को सब सच सामने आएगा? और दूसरी बात ये कि महंगा होता चला जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगा होता चला जा रहा है, और इसीलिए जनता के बीच में कांग्रेस गली, हर शहर, हर मोहल्ले, हर गाँव जा रही है, क्योंकि अब एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है जो जनता क्रिएट करेगी। ठीक है, आपने कहा बड़े आंदोलन की जरूरत है, हमने पिछले जो आंदोलन हुए कांग्रेस ने ही जो किए हैं महंगाई वगैरह पर, उसमें हमने फुटेज देखा कि कांग्रेस नेताओं को चोट भी लगी है, बड़ी बुरी तरीके से उनको उठा के ले जाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में कब तक खड़े रहेंगे? देखिए एक मैं आपको और बताना चाहूंगा, ऐसी स्थिति में कब तक खड़े रहेंगे? ये वही लोग हैं, जेपी का आंदोलन होता है तो उसको ये अभी तक पेंशन दे रहे हैं, ये सरकार अभी तक पेंशन दे रही है। जेपी आंदोलन में जो भी जिन लोगों ने भाग लिया उन्हें पेंशन देना, उन्हें सम्मान देना, सम्मानित पत्र देना, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो हम देशद्रोही हो गए? अरे हम अंग्रेजों से नहीं डरे, करो ये मरो का नारा हमने दे दिया, तो ये जो उनके फॉलोवर हैं काले अंग्रेज, इनसे डर जाएंगे? ये भरम है, और ये भरम है कि हर बार पुलिस को खड़ा कर देना, धारा 144 लगा देना, डराना धमकाना, आर्मी लगा देना, ये बेकार की बात है। ना तो हम डर रहे हैं, चाहे हमारी टांगे टूट जाएं, हाथ टूट जाएं, नहीं डरने वाले। हमारे नेता ने हमसे साफ कह दिया है डर नहीं रहे। और कल राहुल गांधी का आपने स्पीच सुन लिया होगा, राहुल गांधी पिछले कई समय से ये बात कर रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डरेंगे नहीं और मैं नहीं डरता।
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि ये भी नहीं डरने वाले, वो उस जी जो कांग्रेस की लिगेसी है उसके बारे में बात करते हुए कह रहे हैं ये कि कांग्रेस की लिगेसी को फॉलो करने वाला आदमी डरेगा नहीं, अंतिम दम तक लड़ेगा। जन को होगी समस्या तो